पहाड़ की कंडाली, पहाड़ की जो एक कई पहचानों में से एक पहचान है कंडाली। और कंडाली के कह रहे हैं कि हमारे साथ डॉक्टर परमार हैं, वो कुछ कंडाली को बता रहे हैं कि ये धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। क्या कारण हो सकता है, किस कारण से ख़त्म होती जा रही है, इसके बारे में डॉक्टर परमार से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, आपने अभी बताया कि कंडाली को ख़तरा है, कंडाली को किस चीज़ से खतरा है, कैसे खतरा है? देखिए, पहाड़ में जो कंडाली है इसका बॉटनिकल नेम अर्टिका डायोका है। यहाँ पे दो स्पीसीज होती है, अर्टिका डायोका एंड अर्टिका इंडिका, जो बॉटनिकल नेम इनका। ये एक्चुअल में क्या है कि ये यहाँ की नेटिव हैं, ये बहुत सालों से यहाँ रह रही हैं। और ये हमारी जो है, हम लोग सर्दियों में जो इसका वो इसका जो पत्तियाँ हैं, इसके हम साग खाते हैं। कंडाली का साग जो है बड़ा फेमस है पहाड़ में। इसे ये आयरन इसमें बहुत रिच होता है। और इसके साथ साथ इसका जो फाइबर है, कंडाली का जो फाइबर है, ये बड़ा वेल नोन है वर्ल्ड वाइड। जो है इसको लोग जानते हैं, कंडाली का फाइबर, अर्टिका डायोका फाइबर। ये जो है इस पर जो है खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि जितने भी एक्जोटिक ग्रासेस हैं, जिनको हम इन्वेजिव ग्रासेस कहते हैं या खरपतवार कहते हैं या वीट कहते हैं, आप देख रहे होंगे ये जो है, ये एक काला बांसा यूपेटोरियम एडिनोफोरम है। ये हुआ, तीन चार प्लांट ऐसे हैं, तीन चार खरपतवार ऐसे हैं जो कि इसको जो है, इसकी जगह जो है ले रहे हैं। इसे हमारी विज्ञान की भाषा में सक्सेशन कहते हैं। यदि कोई स्पीसीज अपने आप जो है छुपती है और नई स्पीसीज वहाँ पे आती है, तो जो नई स्पीसीज आती है वो उसके ऊपर डोमिनेंट होती है। जब वो डोमिनेंट होगी तो तभी जाके वो स्पीसीज वहाँ से हट जाती है। और इसका हमारे मतलब का ये पौधा है ही नहीं, ये पौधा कहीं भी हमारे, जबकि वहीं अगर हम देखते हैं कंडाली जो है हमारे सर्दियों में हमारे जानवरों के काम आती थी, और सर्दियों में हम लोग इसका कंडाली का साग खाते हैं। परंतु दुर्भाग्य ये है कि आज जो है जो 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 इसका कंडाली है निरंतर दिनों दिन जो है डिसअपियर हो रही है, अदृश्य हो रही है, एक्सटिंक्ट होने की कगार पे है। क्योंकि यहाँ पे जो तीन स्पीसीज हैं, जो तीन जेनरा है, एक यूपिटोरियम एडिनोफोरम, एक लेंटाना और एक आपका एक और एक दो स्पीसीज और हैं जो कि बिल्कुल इन्वेसिव हैं, और ये बाहर से जो हैं आके जो यहाँ पे अब ये उन जगह पे हो रही हैं। और ये जो है ये जो है अब खेतों में भी आने लग गई। ये खरपतवार है, ये हमारे मतलब का है ही नहीं। डॉक्टर साहब, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये इसका ओरिजिन कुछ आप लोगों को पता चला है कि ये किस चीज़ से आई है, कहाँ से आई है और ये कब आई है? ये जब हम लोगों ने बाहर से, जब तक क्वारंटाइन एक्ट नहीं था, एक क्वारंटाइन एक्ट होता है, इसमें जब हम बाहर की फसलों, बाहर से हम बीज खरीदते हैं या पौध खरीदते हैं या कोई वहाँ से जो है हम खाद्यान्न को खरीदते हैं, तो उसके साथ ही आते हैं। यह विश्वास किया जाता है कि क्वारंटाइन एक्ट जब तक नहीं था, तो उस समय जो है हम जो विदेशों से हम जो हैं चावल, धान, गेहूं हम खरीदते थे, तो उनके साथ ये बीज आता था। और ये बीज जो है खेतों में जब लोग उसको बोते थे, तो उसके साथ साथ ये भी आ जाता था। कहीं पर तो ये भी विश्वास किया जाता था कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं या जो एडवांस कंट्रीज़ हैं, वो इसे जानबूझ के जो है बीजों के साथ डालती, ताकि अन्य देश की जो है इकोनॉमी खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए। तो इसलिए जो है क्वारंटाइन एक्ट बना हुआ है, यदि किसी बीज कोई खरपतवार मिलता है तो उसको हम नहीं खरीदते हैं। ये अपने क्वारंटाइन एक्ट के अकॉर्डिंग है, परंतु ये आ चुका है, इसका उन्मूलन होना बहुत मुश्किल कैसे है। कैसे होगा उन्मूलन? ये उन्मूलन होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये डायरेक्ट अटैक कर रहा हमारी नेटिव स्पीसीज। सिर्फ कंडाली पे नहीं, हमारे पास एक और पौधा है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो है इसे हम एडाटोडा वैसिका कहते हैं। ये जो है हमारे, उसके लिए हमारे आयुर्वेद में इसका बड़ा रोल है, एडाटोडा वैसिका। आप देख लीजिए, ये भी कुछ साल बाद डिसअपीयर हो जाएगा। जहाँ जहाँ हमारी जो झाड़ियाँ होती थी, यहीं पर अगर हम देखते हैं, एक हमारे पास ये हिंसर है, जिसको जो है हिंसर पौधा है ना, ये भी जो है रूबस एलेप्टिकस इसका बॉटनिकल नेम है, ये भी जो है डिसअपीयर होते जाएंगे। क्योंकि ये जो है इसके अंदर जो इन्वेसिव ग्रास है, इसके अंदर जो एक क्वालिटी है, ये दूसरे स्पीसीज के ऊपर ओवर डोमिनेट कर जाती है। और ये जो है ये हमारे किसी भी काम का नहीं है। और जबकि वही हमारा ये जो कंडाली का पौधा है, ये हमारे बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्व में हम लोग इससे फाइबर निकालते थे, और सर्दियों में जो जितने हमारे जानवर होते हैं इसको खाते हैं, और हम लोग भी खाते थे। हमारे जो पूर्व, जिसमें आयरन भी बहुत ज़्यादा रिच अमाउंट में आयरन पाया जाता है। धन्यवाद।